क्या तुम सभी मास्टर टीचर्स की प्रतिष्ठा को भूल गए हो? क्या तुम सभी नहीं जानते कि मास्टर टीचर्स किस तरह से काम किया करते हैं? लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर इस तरह से काम करोगे? मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। विपिन इतना नाराज लग रहा था कि वहाँ पर केवल उनको इसी तरह छोड़ देना उसके लिए अभी बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब यहाँ पर संत अकेडमी जाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर तुम जैसे नालायक और लालची मास्टर टीचर चले गए तो उसके बाद में वहाँ पर क्या ही होगा? वहाँ पर तबाही तबाही मचेगी। तुम तो यहाँ पर मनुष्य को भी नहीं छोड़ने वाले। विपिन, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने आखिरकार हमारे ये टोकन्स कैसे ले लिए? नील ने वहाँ पर विपिन से कहा। वह बात में बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक टोकन था जिसके ऊपर उनकी लाइफ टिकी हुई थी। अगर वास्तव में विपिन ने वहाँ पर उस टोकन को तोड़ दिया ना, तो उसके बाद में तो वह संत अकेडमी कभी भी नहीं जा पाएंगे। संत अकेडमी तो केवल उनका एक सपना बनकर रह जाएगा। जहाँ पर वे इसी तरह से बोल रहे थे ना, कच कच, वहाँ पर विपिन ने उन सभी टोकन्स को अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़ा और एनर्जी का बल लगाते हुए उन सभी को वहीं पर ही एक बार के अंदर चकनाचूर कर डाला। पलक झपकते ही विपिन ने वहाँ पर एक और बड़ी तबाही मचा दी थी। यहाँ पर अब सभी एक ही पल के अंदर बाहर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नील के चेहरे का रंग उठ चुका था। वह जानता था कि अगर वास्तव में यहाँ पर विपिन ऐसा किया है तो उसके बाद में वहाँ पर कुंदन क्या जवाब देगा। अगर वह यहाँ से चले जाते हैं और विपिन केवल उनके साथ में खेला जाता है तो वहाँ पर क्या ही हो सकता है, क्योंकि इस पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर केवल विपिन ही था जो अब 33 उम्मीदवारों के अंदर से बचा हुआ था, क्योंकि पहले ही थोड़े बहुत तो वहाँ पर घायल होकर बाहर निकल चुके थे। और अब इसके अलावा जो शेष 20 बचे हुए थे ना, उनकी सभी के टोकन विपिन ने अकेले ले लिए थे और उन सभी को तोड़ दिया था, वो भी एक साथ। अगर वो यहाँ पर एक एक कर तोड़ता तो 13 उम्मीदवार तोड़ने के बाद में अचानक से वो मैच वहीं पर ही बंद हो जाता, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहा था और विपिन को वह बड़े घृणा भरी हुई आवाज के साथ में देख रहा था ना, वहीं सभी मास्टर टीचर्स भी ऐसे ही थे। कुछ तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनको बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे कि क्यों फालतू में वह नील और उस दूसरे मास्टर टीचर की बातों के अंदर आकर यहाँ पर आ गए थे। वह तो आराम से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उन्हें किस तरह से यहाँ पर ट्रेजर के झांसे के अंदर फंसा कर यहाँ पर लाया गया और वह एक साथ ही वहां से बाहर हो चुके थे। जहाँ पर वो सभी से इस तरह से कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ बहुत खतरनाक आवाजें वहां पर आना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट हो गई हो और अगले ही पल वहां पर बहुत सारी तलवारें उठना शुरू हो जाती है। वह देखने से तलवारें सारी सारी संत मध्यवर्ती चरण की लग रही थी और उनकी संख्या 100 से ऊपर लग रही थी। उन सभी तलवारों को इस तरह से विपिन की तरफ बढ़ते हुए देख कर नील खुश हो जाता है। अगले पल वह देखता है कि सभी तलवारें विपिन की चारों तरफ घूमने लगती है। नील कहता है, हाँ हाँ जल्दी करो, उसे मार दो, फिर हम लोग वहाँ पर उससे वह ट्रेजर्स ले सकते हैं। नील वहाँ पर ये सोच रहा था अगर वहाँ पर तलवारों ने वहाँ पर उसको मार दिया तो उसके बाद में वह भी वहाँ पर कुछ कर सकता था। हालांकि यहाँ पर जैसे नील ऐसा कुछ बोलने ही वाला था ना, वहीं दूसरी तरफ तलवारें अभी तक भी विपिन की चारों तरफ ही घूमती जा रही थी। लेकिन अचानक से वह एक जगह पर रुक जाती है और सभी लाइन बनाकर खड़ी हो जाती है। वह जमीन पर गिरती है और कहती है, मास्टर हम सभी आपको यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर नील और सभी मास्टर टीचर ऐसे देख रहे थे ना कि विपिन का वहाँ पर अब टूटे टूटे होने वाले थे, तो वहीं अचानक से वहाँ पर सभी तलवारें नीचे जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो विपिन को मास्टर कहने लगती है। और वही चीज देखने के बाद में नील के तो पूरी तरह से होश से उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी पल यहीं पर ही हार्ट अटैक से मर ही जाएगा। उन सभी तलवारों की वो बात सुनने के बाद में जहाँ पर नील के भी होश उड़े हुए थे ना और जहाँ पर अभी सभी बेहोश होने वाले थे, वहीं विपिन का भी ऐसा ही हाल था। वह तो पूरी तरह से अवाक रह गया था। वह उनसे कहता है, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम सभी वास्तव में क्या मुझे यहाँ पर अपना मास्टर बनाना चाहते हो? क्योंकि विपिन के लिए ये सब कुछ सोचना बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहा था ना, अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है। इन सभी सोर्ड से और उस लिंग सोर्ड को मिलाकर यहाँ पर मेरे पास में कुल 108 तलवारें हो रही है। इसका मतलब क्या ये है कि वहाँ पर जो ओल्ड मेस्ट्रो कहना चाहते थे उनका सभी का काम ये था कि यहाँ पर ये सभी तलवारों को मिलाकर उस टेक्निक को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ में विपिन को अब पूरी स्टोरी वहाँ पर समझ में आ गई थी कि आखिरकार क्यों वहाँ पर वह जो लिंगसू स्वॉर्ड थी ना, वह क्यों वहाँ पर उस सात्विक और फैदिक से वह सभी तलवारें मांग रही थी। क्योंकि जहाँ पर वह गूंगी तलवार और उसके साथ में जो फेंट तलवार थी ना, उन सभी का भी एक किरदार था। वहाँ पर उन सभी तलवारों की जो कमी थी ना,
था। उसी के चलते हुए वहां पर अब विपिन समझ चुका था कि ओल्ड मेस्टो के साथ में क्या हुआ होगा। जब ओल्ड मेस्टो को उन सभी तलवारों की जरूरत थी जब उनके ऊपर वह वार हो रहे थे, तो उस समय उन्हें वह तलवारें नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से वहां पर यह सब कुछ हो गया होगा और वहां पर वह उनसे हार गए होंगे। विपिन अब इन्हीं बातों के अंदर सोचते सोचते फिर से उसके मन के अंदर को ख्याल आता है, विपिन वैसे अब तेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है कि यहाँ पर अब अपन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। वह ओल्ड मेस्टर वैसे भी यहाँ से जा चुके हैं, हालांकि जो उनकी विरासत मेरे पास में है ना, वह हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। विपिन मन ही मन में इसी के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वह अब इस बिंदु के ऊपर पहुंच चुका था कि उन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचकर वहाँ पर कोई भी कारण नहीं था। अचानक से वहाँ पर दूर से एक बीस्ट आता हुआ नजर आ रहा था, जो दिखने में कुछ कुछ एक हंस जैसा लग रहा था। वह बिल्कुल व्हाइट था और उसके ऊपर अभी पवेलियन मास्टर चिरायु और कुंदन दोनों बैठे हुए थे। चिरायु और कुंदन अभी नीचे बैठी हुई सभी पब्लिक को देख रहे थे। वहाँ पर जब विपिन ने वहाँ पर जो जितनी भी एंड्राइव क्वीन की चीटियां थी ना, उन सभी को अपने एंड्राइव क्वीन के द्वारा उनको बश में कर लिया गया था, इसी वजह से वहाँ पर अब कुंदन के पास में कोई भी संकेत नहीं पहुँच रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा था। इसी वजह से वहाँ पर अब समझ में आ गया था कि हुआ क्या था, और इतने समय तक यहाँ पर ऐसा चलते रहने की वजह से कुंदन को लगा होगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। हालांकि जब अचानक से उन्होंने यहाँ पर यह सुना कि विपिन को छोड़कर सभी जो प्रतिद्वंदी थे ना, वह यहाँ से बाहर निकल चुके थे, उसके साथ में वह दोनों जल्दी से वहाँ से भागे और सीधे विपिन की तरफ चले आए, जहाँ पर वह सभी यहाँ पर खड़े हुए थे। क्योंकि वहाँ पर कुंदन के दिमाग के अंदर एक ही सवाल चल रहा था, अगर वास्तव में केवल विपिन इस मैच के अंदर जीता हुआ था तो उसके बाद में वह आगे जाकर क्या कहेगा, कि वह ऐसा कहेगा कि यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर पहले ही हार चुके हैं और बस यहाँ पर ये विपिन ही बचा है, तो उसके बाद में उसके तो पता नहीं कितने ज्यादा सोटे पड़ेंगे। वास्तव में उसके तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि वहाँ पर गया था ये ढूंढने बहुत सारों को, लेकिन उसके साथ में कौन आया, केवल ये एक अलका सा, क्योंकि इसके साथ में ये एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी जिसको एक पॉलिटिक्स भी माना जा सकता है। इसके लिए मुख्यालय के अंदर भी रिपोर्ट जानी थी, और इसके अलावा जो वहाँ के संत अकेडमी थी और जो वहाँ के आसपास में जितने भी ऋषि वंश के जो तीन कुल थे जो सबसे ज्यादा ऊपर आया करते थे, वो वहाँ पर कुंदन से ये पूछेंगे कि आखिरकार तुम ये किन को लेकर आए हो, क्योंकि तुम्हें हमने यहाँ पर 20 का लाने को कहा था, हालांकि तुम यहाँ पर केवल तीन के साथ में चलकर आ गए, ये तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। जहाँ पर कुंदन अभी उसी बारे में सोच रहा था ना, चिरायु ने वहाँ पर उसको एक सलाह दी, कुंदन क्योंकि यहाँ पर अब सभी हार चुके हैं, केवल विपिन यहाँ पर बचा है, तो इसकी देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सिलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी हार गए हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें इस सभी को देखने के बाद में इस पूरे सिलेक्शन को वापस से जारी करना होगा, चिरायु ने ऐसा कहा ही था। कि वहीं दूसरी तरफ कुंदन भी उसकी बातों को समझते हुए अब अपनी गर्दन हिलाने लगा, उसने कहा हाँ वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वहाँ पर कुंदन बहुत ही ज्यादा झिझक रहा था। वही जहाँ पर कुंदन ने केवल ऐसे ही अपना शरीर लाया था ना, वही दूसरी तरफ कुंदन की ऐसी बात सुनने के बाद में कि यहाँ पर सिलेक्शन वापस से होने वाला था, सभी के मन के अंदर तो लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वास्तव में वो जानते थे कि अगर यहाँ पर ये रिजल्ट आगे बढ़ गया ना, तो उसके बाद में उनकी लाइफ का यहीं पर ही जमा झंड हो जाएगा। हालांकि जहाँ पर वो सभी इसी बारे में सोच रहे थे ना, अचानक से कुंदन कहता है लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे बस के अंदर जितना सब कुछ था ना, वो यहाँ पर हो चुका है। हाँ मैं हालांकि यहाँ पर ये रिजल्ट को आगे जरूर बताऊंगा और मुख्यालय के अंदर से इसके बारे में बात करूंगा, और संत अकेडमी मुझे इसके बारे में जो निर्णय भेजेगी ना, हम उसके ऊपर ही आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में कुंदन ने तो इस बार अपना सर ही पकड़ लिया था, क्योंकि वह जब से विपिन से मिला था ना, वह जानता था कि हाँ विपिन एक तबाही का देवता है, और उसके बारे में उसने पहले भी बहुत कुछ सोचा था और बहुत कुछ ऐसा सुना भी था कि विपिन जहाँ पर जाता था तबाही मचाता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ वास्तव में इस सिलेक्शन के अंदर वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मास्टर टीचर्स थे, अरे वहाँ पर वो क्या ही कर सकता था, एक दो को बाहर निकाल सकता था। हालांकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसकी जितनी भी सोच विचार थे ना, वो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने तो केवल एक ही जगह के अंदर 13 की जगह यहाँ पर 20 के 20 प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था। जहाँ पर कुंदन अपनी बात खत्म करता है ना, वहीं दूसरी तरफ चिरायु बोल पड़ता है, वह कहता है विपिन क्योंकि यहाँ पर तुम अभी तलवार लेगून के अंदर आ चुके हो, मुझे आशा है कि आप के पास में जो यहाँ की विरासत है ना, आप वापस उसको हमें दे दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर चौंग समय के लिए उस विरासत को रखना चाहता हूँ, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद में मैं मास्टर से पवेलियन की तरफ से
से। यहाँ पर आपको एक धन्यवाद दूंगा और इसके अलावा आगे आने वाले मास्टर टीचर्स के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। वास्तव में जब वो यहाँ पर आ रहे थे ना, तो उन्होंने भी बस शॉक वेव देखी थी, उसके बाद में वो बता सकते थे कि हाँ वास्तव में यहाँ पर क्या क्या हुआ था और यहाँ पर ओल्ड मास्टर की विरासत भी आ चुकी थी। क्या वापस कर दूं? विपिन जब चिरायु की बात सुनी ना, तो उसका मुंह तो ऐसे मरोड़े खाने लगा जैसे कि उसने कोई कड़वी चीज खा ली हो। उसके बाद में वो चिरायु को ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसके सामने कोई पागल व्यक्ति खड़ा हो, जो उसके सामने खड़ा होकर उसी से भीख मांगने की कोशिश कर रहा हो। ये साथ में वह अपनी त्योरिया चढ़ा देता है और उससे कहता है, अच्छा पवेलियन मास्टर चिरायु, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको मैं ये जितने भी यहाँ पर विरासत मेरे को हासिल हुई है, जितना खजाना मेरे को यहाँ पर हासिल हुआ है, मैं आपको ऐसे ही दे दूं? ना 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 ना, मैं इतना ज्यादा भी भोला नहीं हूँ। हालांकि इसके अलग यहाँ पर आप सोड लेगून के अंदर रहते हैं, चोंग साम्राज्य के इस सोड लेगून के बारे में जानता है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। यहाँ पर कम से कम 10,000 साल से ज्यादा वर्ष यहाँ पर हो गए होंगे इस सोड लेगून के आए हुए, लेकिन फिर भी आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि आपके चोंग साम्राज्य के अंदर इतने बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हैं, इतने बड़े बड़े मायका लाल भरे हुए हैं, और उनमें से आज तक कोई भी यहाँ पर इस चीज को हासिल कर पाने में कामयाब नहीं हो गया, और आप अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं आपको विरासत दे दूं, जबकि आप लोग उसके योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये तो साफ साफ दर्शाता है कि 10,000 साल यहाँ पर हो चुके हैं इस सोड लेगून को बने हुए, और आप अब तक भी यहाँ पर इसको हासिल कर पाने में कामयाब नहीं हुए। वास्तव में आप ऐसी बात में से कैसे कह सकते हैं? वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में चिरायु का मुंह तो बिल्कुल सील पैक हो जाता है, ऐसा लग रहा था किसी ने उसके मुंह के ऊपर पिंच मशीन ठोक दी हो, क्योंकि जो विपिन के वर्ड्स थे ना, वो वहाँ पर उसके दिल के ऊपर जाकर लगे थे। वह अपने आप को संभालता है और वह विपिन से कहता है, विपिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चोंग साम्राज्य के अंदर ये सोड लेगून है ना, ये इसके अंदर जो विरासत है वह चोंग साम्राज्य के अंदर की है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर चली आ रही है, और कई सारे मास्टर टीचर्स केवल यही है अड़क में बैठे हैं कि वह यहाँ पर अपनी आपको काबिलियत बनाए और उसके साथ में वह यहाँ पर इस विरासत को हासिल कर ले। तो क्या आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप इसको ऐसे ही यहाँ पर ले जा सकते हैं? वहाँ पर चिरायु ने विपिन से कहा। वैसे जो चिरायु का बोलने का लहजा था ना, वो बिल्कुल सीधा साधा था, हालांकि उसके अंदर के जो बोली हुई चीजें थी ना, वो साफ साफ दर्शा रही थी कि वहाँ पर चिरायु अभी विपिन को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। फिर चिरायु उससे आगे कहता है, और इसके अलावा तुम यहाँ पर चोंग साम्राज्य के तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से तुम इस विरासत के लायक नहीं हो, और अगर आप वास्तव में यहाँ पर चोंग साम्राज्य के ये विरासत को लेना चाहते हैं ना, तो उसके बाद में तो मुझे नहीं पता कि आपके साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि जो आपकी प्रतिष्ठा है ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि जहाँ पर वह इसी तरह से बकबक करे जा रहा था, विपिन उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, क्या ये जो विरासत मैंने अभी भी हासिल की है, ये चोंग साम्राज्य का एक स्तंभ है, उसके पीछे की एक बैकबोन है, तो आखिरकार अभी 10,000 साल के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर इसको हासिल कैसे नहीं किया? विपिन ने फिर से वहाँ पर चिरायु को टोक दिया, क्योंकि आखिरकार विपिन का कहना भी सही था, इतने ज्यादा समय के अंदर से यहाँ पर इस विरासत के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी 10,000 साल हो गए थे, आज तक कोई भी मायका लाल यहाँ पर जिंदा नहीं हुआ जो यहाँ पर इस विरासत को हासिल कर पाने के काबिल हो।